हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको WDFC के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन का काम दिखाने वाला हूं, जिसे कहते हैं दादरी रेवाड़ी सेक्शन। WDFC वैसे तो स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश के दादरी से और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, और आज जिस हिस्से का काम दिखा रहा हूं ना, बस इतना ही हिस्सा है जो कि बनना है जी, और ये हिस्सा बहुत जल्द ही बन जाएगा। और कितनी जल्द बन जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इसी महीने के 31 तारीख को इस पूरे हिस्से पे, यानी कि दादरी से लेकर रेवाड़ी तक के हिस्से पे ट्रायल रन किया जाना है जी। और इसी वजह से आज मैं आपको सोना में लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक टर्नल बनाया गया है, और ये टर्नल कोई साधारण टर्नल नहीं है, ये दुनिया का सबसे पहला टर्नल है जो कि यहाँ पर बनाया है L&T ने जी। कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है वो L&T यहाँ पर काम कर रही है, और आज जो ये मेरे पीछे हिस्सा देख रहे हो, इसी हिस्से पे काम किया जाना है बस। उसके बाद पूरे हिस्से पे काम कंप्लीट हो चुका है। इस हिस्से पे क्या कुछ काम किया जा रहा है वही मैं आपको दिखाता हूँ आज। चलिए, लेकिन उससे पहले बताता हूँ WDFC क्या है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए बनाई जा रही है रूट। उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। अब आप सोचोगे कि दादरी से क्यों? क्योंकि दादरी में NCR का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, तो उस कंटेनर पोर्ट से ये स्टार्ट होगा और जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि अपने देश का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है, और उसके बाद समुद्र मार्ग के जरिए आप अपने सामान को कहीं भी भेज सकते हैं। इंडियन रेलवे को 75% जो रेवेन्यू आता है वो आता है मालगाड़ी के जरिए। अभी क्या है, इंडियन रेलवे से सामान सबसे सस्ते में आप भेज सकते हो, कंपेयर टू ट्रकों के या कंपेयर टू प्लेन्स के। लेकिन होता क्या है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो इसी वजह से एक अलग लाइन बना रहे हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी दौड़ेगी, और वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिससे होगा यूं कि आपका सामान तय वक्त पर इंडियन रेलवे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी। और इंडियन रेलवे को क्या फायदा होगा, इंडियन रेलवे की रेवेन्यू और बढ़ेगी। इसका ऑलमोस्ट 60% का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है, और उस पर आपको ट्रेनें दिखती है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये 700 मीटर लंबा हिस्सा है, और इसी हिस्से पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो रह रहा है। इसी वजह से आपको यहाँ पर बहुत सारी मशीनरी देखने को मिलेगी, जो कि L&T ने पूरी ताकत झोंक दी है, और वो इसलिए ताकि 24 तारीख का जो डेडलाइन इनको दिया गया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, वो ये कर सके, और 31 तारीख से फिर इंडियन रेलवे वो प्लान कर रही है कि इस पर कॉमर्शियल जो ट्रेन है वो चलाए। जी हाँ, तो इसलिए मैंने बोला है कि इसी महीने के लास्ट से ये पूरी सर्विस जो है स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यही 700 मीटर हिस्सा है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है। दादरी से लेकर पूरा रेवाड़ी तक का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, बीच में बस यही 700 मीटर हिस्सा है। टर्नल से बाहर जैसे ही आप आएंगे तो आपको दिखेगी बहुत सारी मशीनरी, जो कि यहाँ पर ये जो साइड वॉल है इनको काटने का काम कर रही है, ताकि इनको काटने के बाद यहाँ पर जगह बनाई जा सके, और उसके बाद फिर ट्रैक जो है वो डाला जा सके। अगर आप पूछोगे कि जमीन से ये कितना गहरा है, तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, इस ब्रिज से 32 मीटर गहरा है ये। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मैसिव काम यहाँ पर किया है, और ये सच बताऊँ तो बहुत ही कमाल का यहाँ पर दृश्य है, और आप जब यहाँ पर आते हो ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं जब यहाँ पर अभी इस वक्त पे आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माइनिंग में आ गया हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कोयले का खदान है, मतलब कमाल का ये दृश्य है। जो साइड वॉल का हिस्सा है उसको काटने का काम किया जा रहा है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर मशीनरी भी दिखेगी, और जैसे ही उन पत्थरों को काटकर हटाया जा रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर व्हीकल्स दिखेंगे, ट्रक्स दिखेंगे, जिनके ऊपर इसका जो मलबा है उसको डाला जा रहा है, और फिर उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। उससे जब आप आगे इस तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको एक ये ब्रिज दिखेगा। ये ब्रिज इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर एक तरफ से दूसरी तरफ लोग इसको आसानी से क्रॉस कर सके, व्हीकल्स इसको आसानी से क्रॉस कर सके। और इस पूरे स्टेज पे तकरीबन ये जो पूरा 3 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है, इस पूरे स्टेज पे आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। कई तो स्ट्रक्चर उस जगह पर बनाए गए हैं जहाँ पर रोड है, कई जगह इसलिए भी बना दिया गया है ताकि भविष्य में अगर रोड एक तरफ से दूसरी तरफ बनाया भी गया तो स्ट्रक्चर रहे वहाँ पर जी। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारा काम आपको देखने को मिलता है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फिर इस हिस्से पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर
कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वॉल को काटने का, मिट्टी को काटने का। तो अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है ट्रैक्स डालने का, और इसी वजह से आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो बेड तैयार किया जाना है रोरी बजरी का वो किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर रोलर भी दिखेगा जिसकी मदद से अच्छी तरीके से प्रेस करने के बाद यहाँ पर ट्रैक डालने का काम किया जा रहा है। इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस वाले हिस्से पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर पत्थरों को काटने का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ इनको यहाँ पर शिफ्ट करने का भी काम किया जा रहा है। और पहले तो इस पत्थरों को काटा जा रहा है, फिर इस मशीन की मदद से ट्रकों के ऊपर डाला जा रहा है, और फिर ट्रकों की मदद से इसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। और ये बस यही 700 मीटर हिस्सा है जिसके ऊपर इनको काम किया जाना। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो बॉक्स है, ये बनाया गया है अभी कुछ दिन पहले ही। और इस बॉक्स के आसपास अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से मिट्टी डालने का काम कर दिया जा चुका है, और उसके ऊपर अब लेन बना दिया जाएगा ताकि हम और आप एक तरफ से दूसरी तरफ अपने व्हीकल की मदद से इससे जा सकें। और इस बॉक्स को जैसे आप क्रॉस करके इस तरफ आप बढ़ते हैं रेवाड़ी की तरफ, तो फिर आपको दिखेगा कि पूरे हिस्से पर ट्रैक डालने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। और ट्रैक कितने होने वाले हैं? दो, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। जी हाँ, और ये काम जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कर लिया जा चुका है। और वैसे मैं आपको बताऊं, जो भी टीम कुछ भी काम कर रही है उनके लिए बहुत ही मैसिव काम है ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो बंदा देख रहा हूँ ना, जो वाटरिंग का काम कर रहा है इस जगह पर, इस वाटरिंग के काम को करने में इसको पूरा दिन लग जाएगा, यकीन नहीं होता। ये देखो कितना सारा एरिया है जिसको इसे वाटरिंग करना है। और इस तरफ ये पूरा जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है, इस पूरे 5 किलोमीटर हिस्से पे काम कर लिया जा चुका है जी, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रेच है डीप कट वाला, इसे डीप कट स्ट्रेच बोलते हैं, और इस डीप कट स्ट्रेच की जो लेंथ है वो है 6 किलोमीटर जी। जमीन से 32 मीटर गहरा, कमाल है ये, है ना, बहुत कमाल है भाई। ये केएमपी एक्सप्रेस वे, इसको जब आप क्रॉस करोगे तो उसके बाद भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर ट्रैक डालने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। अब तो यहाँ पर जो वायर्स डाले जाने हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, उनका काम किया जा रहा है, और यही आपको इस जगह पर देखने को मिलता भी है जी। और वैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो ब्रिज बनाए गए हैं उनके जो पिलर्स हैं ना, उनको भी पेंट किया जाएगा जी हाँ, और वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता भी है। तो पीछे जितने भी आपको ब्रिज दिखाए ना, उन सभी के पिलर्स को पेंट किया जाएगा जब काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आप सोच रहे हो कि भाई बरसात के दिनों में तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, सोच रहे होगे ना, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने देश के बहुत ही कमाल के इंजीनियरिंग का नज़ारा देखने को मिलता है। एक यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ऊपर बनाया गया है ठीक इस जगह पर, एक ठीक इसके बाद बनाया गया है, और एक और बनाया गया है जी। तो सबसे पहले पानी बारिश का इसमें आएगा, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल के जरिए यहाँ पर एक ये जो बनाया गया है इसमें जाएगा, और फिर इसमें भरने के बाद फिर ये जाएगा जो मेन इसकी लाइन होने वाली है ड्रेनेज की जी, जो कि ट्रैक के एकदम साथ में बनाया गया है, उसमें जाकर फिर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपको ड्रेनेज सिस्टम में भी बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग का नज़ारा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, देखो तो पहले ऊपर से पानी आएगा नीचे, फिर यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट दिया, उससे फिर जाकर मेन लाइन में आएगा। अगर ये ऐसा नहीं देते ना
और पानी कहीं से भी अगर आने लग जाता ना तो फिर ये जो मिट्टी है ना इनका कटाव हो जाता बरसात के दिनों में। इसी वजह से यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, मतलब पानी को पूरी तरीके से एक्सेस करने के बाद मेन ड्रेनेज सिस्टम में डालने वाले हैं। और ये जो टीम जहाँ पे खड़ी है ना, तो ये जो देख रहे हो यही है इसका ड्रेनेज का मेन लाइन। और वैसे यहाँ पर देखोगे तो अप वाले साइड में यहाँ पर बजरी डालने का जो काम है ट्रैक के ऊपर हो चुका है, और अप वाले साइड में ही यहाँ पर डाला जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है, और डाउन वाले साइड में अभी ट्रैक तो डल चुका है उसके ऊपर बजरी डालने का जो काम है वो नहीं हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये है न्यू ताबरू स्टेशन। जी न्यू जहाँ पर लगा हो ना वो समझ जाना कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का स्टेशन होने वाला है। जी तो इसी वजह से न्यू इसमें लगाए गए। वैसे जैसे रेवाड़ी में देखोगे तो न्यू रेवाड़ी स्टेशन आपको दिखेगा, जबकि रेवाड़ी में ऑलरेडी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रेवाड़ी स्टेशन। जी तो इसलिए इन्होंने न्यू एक लगा दिया, और न्यू से पूरी तरीके से आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है यहाँ पर। वैसे इस जगह पर क्या कुछ देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट हो चुका है कंस्ट्रक्शन काम, यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैक डालने का भी काम कंप्लीट हो चुका है, ये जो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हो वो भी हो चुका है, तो कुछ काम आपको खास यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। ट्रैक भी पूरी तरीके से डाल दिया जा चुका है, इसके ऊपर रूढ़ी बजरी भी डाल दी जा चुकी है, यहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम भी लगा दिया जा चुका है, इसलिए कुछ खास नहीं दिखता अब ताबरू में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो ट्रेन है वो देखने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। जी जो कि दादरी से रेवाड़ी जो कि इस तरफ है जाया करेंगी। सो ये था अपडेट WDFC के सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन का जिसे कहते हैं दादरी रेवाड़ी सेक्शन। और इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है, और ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ पर यह बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा न्यू ताबरू। वाह बहुत जल्दी काम कर दिया यहाँ पर नहीं। चलो फिर मिलते हैं आपसे किसी और परियोजना पे, आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन हाँ ड्रोन शॉट तो देख लो।